हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री टू ट्रैवल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको रशिया का इनविटेशन लेटर कहां से मंगवाते हैं, कैसे बाय करते हैं, कौन सी वेबसाइट है और कितने पैसे उसके लगते हैं, तो ये बताने वाला हूं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कमेंट करके जरूर बताना। उसके अलावा फ्रेंड्स, रशिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, रशिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास इन्विटेशन लेटर होना चाहिए। वो इन्विटेशन लेटर फ्रेंड्स आप जो है रशिया की किसी ट्रैवल कंपनी से मंगवा सकते हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं फ्रेंड्स जो है ऑनलाइन, जब आप सर्च करेंगे तो उसके लिए कौन सी मेन वेबसाइट है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और जो है उसके उसकी कितनी फीस है तो ये भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है इनविटेशन लेटर, दूसरा फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट आपकी फ़ोटो हो गई, 35x45 mm की फ़ोटो आपकी लगेगी और वाइट बैकग्राउंड में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और 35x45 mm उसका साइज होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स आपका पासपोर्ट, पासपोर्ट की आपकी जो है 6 months की वैलिडिटी बची हुई होनी चाहिए, तो तीसरा डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट हो गया। चौथा डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स आपका जो है वीज़ा फॉर्म, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वो ड्यूली फिल्ड होना चाहिए और उसको आपने साइन भी किया हुआ होना चाहिए। जो साइन आप उस पर करेंगे वो आपके साइन पासपोर्ट से मैच जरूर करते हो, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रशिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। होटल बुकिंग भी आप फ्रेंड्स लगा सकते हैं, तो आपको मैं बताऊँगा कि फ्रेंड्स आप जो है होटल बुकिंग अगर आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, पर वो मैंडेटरी नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो है बाय का बात करते हैं फ्रेंड्स इनविटेशन लेटर की। तो इनविटेशन लेटर हम कहाँ से मंगवा सकते हैं, कौन सी वेबसाइट है, कितने का फ्रेंड्स इनविटेशन लेटर आता है, तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स इनविटेशन लेटर की जो फीस है वो $20 है। कुछ वेबसाइट्स जो है उसे $25, $30, $35 का भी बेच रही हैं। तो मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट पर ले जाऊँगा जो बहुत ट्रस्टेड वेबसाइट है, तो वहाँ से आप $20 का जो है इनविटेशन लेटर बाय कर सकते हैं और वो आपको मिनट्स में, फ्रेंड्स मैंने 15 मिनट में 20 मिनट में अपने इनविटेशन इसी वेबसाइट से मंगवाए हैं, और इससे मैंने बिज़नेस जो है इनविटेशन लेटर भी मंगवाए हैं, बिज़नेस वीज़ा के लिए और टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी जो है इनविटेशन लेटर मंगवाए हैं, चाहे वो टूरिस्ट का डबल एंट्री का वीज़ा हो चाहे वो बिज़नेस का डबल एंट्री का वीज़ा हो। तो आप इससे बेधड़क बगैर किसी चिंता के आप ट्रस्ट करके इस वेबसाइट पर आप इस वेबसाइट से जो है किसी भी कैटेगरी का भी जो इनविटेशन लेटर है वो इसे वेबसाइट से मंगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर की, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ले जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कंप्यूटर है या अगर आपके पास लैपटॉप है तो अपनी लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन से भी आप जो है इसे मंगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वेबसाइट को खोलना है, मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि आप कैसे इस इन्विटेशन लेटर को बाय कर सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले आपने टाइप करना है गूगल पे आके russianvisa.com, और ये पहली वेबसाइट है, इस पर आपने आके क्लिक करना है, इसके अंदर चले जाना, ये इसका इंटरफेस है, नीचे आ जाना है फ्रेंड्स, ये फिल इन दिस फॉर्म टू गेट अ रशियन वीज़ा इनविटेशन लेटर। तो ये फ्रेंड्स फॉर्म है, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप भरना है और मैं आपको नीचे तक दिखा देता हूँ। तो इतना फॉर्म है फ्रेंड्स सिटीज़ तक, तो इतना आपने फॉर्म भरना है, इसके बाद सेंड फॉर्म कर देना है। अब मैं आपको बता देता हूँ आपके आपने जो है फॉर्म को कैसे भरना है। तो सिटीजनशिप में आपने फ्रेंड्स यहाँ पे टाइप कर देना है अपनी कंट्री का नाम, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो हम इंडिया से करते हैं तो इंडिया का नाम जो है हम डाल देते हैं, सिटीजनशिप हमारी इंडिया की है। उसके बाद फर्स्ट नेम जो है अपना, आपके पासपोर्ट से जो भी फर्स्ट नेम गिवन नेम है तो वो आपने यहाँ पे डाल देना है, तो जैसे मेरा नाम है तो मैं अपना डाल देता हूँ। उसके बाद लास्ट नेम है फ्रेंड्स अपना नाम जो है आपने लास्ट नेम डाल देना है, और उसके बाद फ्रेंड्स जो बर्थ डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो आपने डाल देनी है पासपोर्ट वाली। उसके बाद ईमेल एड्रेस जो आपकी है वो डाल देनी है आपने। उसके बाद जो है आपका फ़ोन नंबर, जो भी फ़ोन नंबर है आपका वो डाल देना है, और सेक्स में मेल फीमेल की जो है इन्फॉर्मेशन आपने दे देनी है, जो आप मेल हो या फीमेल हो वो आपने बता देना है। उसके बाद टाइप ऑफ वीज़ा में फ्रेंड्स आपने बताना है कि आप जो है बिज़नेस वीज़ा लेना चाहते हो, बिज़नेस इनविटेशन लेटर लेना चाहते हो, या आप जो है टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हो, टूरिस्ट इनविटेशन लेटर लेना चाहते हो, तो ये आपने यहाँ पर बता देना है टाइप करके। उसके बाद फ्रेंड्स जो है पासपोर्ट नंबर में आपने पासपोर्ट नंबर बता देना है, जो भी पासपोर्ट नंबर है आपका। उसके बाद एक पासपोर्ट की जो भी एक्सपायरी डेट है वो आपने ध्यान से देख लेना, वो एक्सपायरी डेट यहाँ पे टाइप कर देनी है। उसके बाद जो पासपोर्ट की इशू डेट आपने टाइप कर देनी है, उसके बाद जो पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद आपकी डेट ऑफ अराइवल, आप रशिया में कब अराइवल हो रहे हो वो यहाँ पे आपने टाइप करना है। तो यहाँ पर हम डेट ऑफ अराइवल में फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप जो है रशिया में 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो आप डेट ऑफ़ अराइवल और डेट ऑफ़ डिपार्चर को
जो है जितने दिन का आप जो है इनविटेशन लेटर मंगवा रहे हो तो उतने दिन का ही आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आप 10 दिन का मंगवा रहे हो इनविटेशन लेटर तो आपको 10 दिन का ही वीज़ा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 12 दिन जो है आप जो है 10 दिन का इनविटेशन लेटर मंगवा रहे हो और आप चाहते हो कि हमें 12 दिन का इनविटेशन 12 दिन का टूरिस्ट वीज़ा मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। जितने दिन का आपका इनविटेशन लेटर होगा उतने ही दिन का आपको वीज़ा मिलेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने डेट ऑफ अराइवल में डेट ऑफ अराइवल डाल देनी है और डेट ऑफ डिपार्चर में डेट ऑफ डिपार्चर डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड्स 2022 कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सिटीज़ में आपने सिटीज़ बता देनी है, आप कौन कौन सी सिटीज़ में जा रहे हैं रशिया में, तो इस चीज़ को आपको देखना है कि आपने कितनी सिटीज़ को विज़िट करना है उन दिनों में, 10 दिनों में, 12 दिनों में, जितने भी दिन बाद जितने भी दिन लिए आप जा रहे हो। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे जो है रशिया में जो जिस सिटी में जा रहे हैं। तो फिलहाल हम मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे हैं। अगर आप 4 सिटीज़ जा रहे हो तो 4 सिटीज़ को कॉमा डाल डाल के आप जो है टाइप कर देंगे और उसके बाद सेंड फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। सेंड फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपका मैसेज आ जाएगा आपको इस वेबसाइट की तरफ से कि यू हैव सेंट एन मैसेज, यू हैव सेंड दी मैसेज। और उसके बाद जो है थोड़ी देर में आपको ईमेल आ जाएगी, वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपसे आपका स्कैंड फोटो ऑफ पासपोर्ट या आपका सेंड स्कैंड कॉपीज ऑफ पासपोर्ट या आपका फोटो ऑफ पासपोर्ट की फ्रंट बैक कॉपी आपसे मांगेंगे, तो वो आपको सेंड कर देनी है। उसके साथ ही वो $20 की आपको एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक पे आपने क्लिक करके $20 पेमेंट कर देनी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जो है रशिया का इनविटेशन लेटर मंगवाते हैं। मैंने इस वेबसाइट से काफ़ी बारी इनविटेशन लेटर मंगवाए हैं, बिजनेस इनविटेशन लेटर मंगवाए हैं और दूसरे जो टूरिस्ट वीज़ा के इनविटेशन लेटर मंगवाए हैं। तो अगर फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी तरह की मेरे से हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने नंबर अपना दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई है कि कैसे इनविटेशन लेटर मंगवाते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।